बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो चलो रोल 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 बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज्यादा, इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुजुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉल में वहाँ पे लोग खतरों खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो, बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली। बट आज हमारा फिनाले है, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर शो, बेटर टीम, एंड बहुत खुशी हो रही है। जो होना होता है वो होता है, ये होता तो अच्छा होता, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ। जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, एंड अगर होना होता तो हो जाता। मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है वो एक लड़का है राहुल वैद्य। तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। ओके ओके, राहुल जी के साथ में अगर विनर की अगर बात करें, रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं हल्का सा खुलासा कर दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर ने खुलासा कर दिया जी, ऐसा कुछ हमें लगा है सर। नहीं, तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए कि क्या है। खुलासा अभी होने ही वाला है।